गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये गुलाब का पौधा है और ये इंग्लिश गुलाब है और देखिए इसमें नई पत्तियां और नई कलियां खिलाई हैं। तो दोस्तों, आपको अपने पौधों में हर 15 से 25 दिन के बीच में आपको खाद देनी ज़रूरी होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं खाद किस तरीके से देने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको ले लिया है। तो ये मुझे सभी पौधों में देनी है अपनी खाद, तो मैंने इतनी वर्मी कंपोस्ट ले ली है दोस्तों। और अब इसमें मैं थोड़ी सी नीम की खली मिलाऊंगी ताकि जो कोई भी पौधों में होने वाले फंगस है या फिर जो भी आपके जो भी पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो इसमें ना लगें। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें थोड़ी सी जो नीम की खली होती है वो इसमें थोड़ी सी मिक्स कर रही हूँ। तो मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ ताकि मुझे अलग से फिर पॉट इसी में सारे प्रपोर्शन में एक साथ मिल जाएगी। तो इतनी मैंने नीम की खली कर दी है दोस्तों। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिलाऊंगी दोस्तों, क्योंकि 15 से 20 दिन में आपको हल्दी भी मिला देनी चाहिए। तो मैं तीनों चीज़ें एक साथ ही मिलाने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मिलाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने हल्दी भी ले ली है, तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला देती हूँ। सभी पौधों में लगेगी तो इतनी सही रहेगी क्वांटिटी। तो दोस्तों, ये क्योंकि इससे अगर आप समय समय पे करते रहें दोस्तों, तो आपके पौधों में जो कीट होते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट के साथ ये भी मिला दिया है। मैं अलग से मिलाती तो दोस्तों मैंने इसमें सब मिला दिया है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पौधों में थोड़ी थोड़ी सी खाद लगाएंगे। अगर कम रहेगी तो मैं बाद में और कर लूँगी इसी तरीके से दोस्तों। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें मल्चिंग के लिए लगा रखा था, इसको मैं हटा देती हूँ और इसमें मैं ये कम से कम देखिए दोस्तों इतनी मिट्टी, क्योंकि ये 6 इंच का पॉट है, तो मैं इतनी खाद इसमें डाल देती हूँ। ये दोस्तों मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें इसकी गुड़ाई करूंगी और गुड़ाई भी हो जाएगी दोस्तों, और ये जो है खाद इसमें मिक्स भी हो जाएगी।